हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल बजरंग एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, सबसे पहले रिट लेवल फर्स्ट चयनित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई हो, और जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है, जो एक या दो नंबर से रह गए हैं, उनके लिए दोस्तों मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2019 में फिर से एक बड़ी भर्ती आएगी रिट लेवल फर्स्ट की। तो दोस्तों, आप लोग अभी से अपनी तैयारियों में लगे रहें। दोस्तों, कल मैंने फाइनल कट ऑफ आने से पहले, यानी ऑफिशियल कट ऑफ आने से पहले, मैंने कल अनुमानित फाइनल कट ऑफ डाली थी लगभग 4 बजे। तो दोस्तों, जो यह ऑफिशियल कट ऑफ है वह लगभग उसी के अनुरूप रही है। बस सामान्य के अंदर दोस्तों मैंने 109 से 110 दिखाया था, उसमें 111 रही है। बाकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल एक जैसी रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है, उनके लिए दोस्तों क्या खबर है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 24,675 की कट ऑफ जारी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी प्रथम लेवल शिक्षकों की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। निदेशालय ने 26,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए न्यायालय ने छूट दे दी है। इस भर्ती के खिलाफ विचाराधीन मामले में न्यायालय ने निदेशालय को कट ऑफ लिस्ट जारी करने, जिला आवंटन तथा चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन की अनुमति दी है। नियुक्ति आदेश जारी करने पर न्यायालय की रोक रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित ने शुक्रवार को बताया कि रिट में प्राप्त अंकों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया रोकने का प्रकरण अदालत में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई के दौरान निदेशक ने स्वयं उपस्थित होकर राज्य सरकार का पक्ष रखा तथा न्यायालय से भर्ती प्रक्रिया में अवरोध समाप्त करने का अनुरोध किया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि 26,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के बाद प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 5% पद रिक्त रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 26,000 की रिट लेवल फर्स्ट में भर्ती होने के बाद रिट लेवल फर्स्ट के 5,000 जो 5% पद हैं वो ही रिक्त रहेंगे। तो दोस्तों, उन पदों को अगले शैक्षणिक सत्र में भर्ती की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, यानी कि जो 5% पद हैं वो रिक्त रहेंगे, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो नए शैक्षणिक सत्र यानी 2019 में उसकी भर्ती पूरी कर ली जाएगी। और दोस्तों, इस दौरान जो रिटायरमेंट अध्यापक हैं, यानी जिनका रिटायरमेंट होगा और जिनकी सीटें खाली होगी, तो इस हिसाब से दोस्तों 2019 में फिर से एक बड़ी भर्ती आएगी रिट लेवल फर्स्ट की। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो सका है वह अभी से अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि 2019 में फिर से भर्ती आने वाली है। और दोस्तों, आप लोग उदास न हों, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है वो एक संघर्ष है, और यह संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, हमें इस प्रयास में सफलता नहीं मिल सकी तो क्या हुआ, आगे प्रयास में ज़रूर मिलेगी। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। मैं भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में बहुत ही कम अंतर से रह गया था, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगा हुआ हूँ। और रिट में दोस्तों 2016 की रिट में मेरे 107 नंबर थे, लेकिन उस समय संस्कृत और SS की सीटें नहीं आने के कारण सिलेक्शन यानी फॉर्म भी नहीं भर पाया। इस बार रिट में 112 नंबर हैं, तो इस बार देखते हैं दोस्तों रिट में संस्कृत और SS के पद आते हैं या नहीं। फिर भी दोस्तों मैं भी अपनी तैयारी में लगातार लगा हुआ हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग भी तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल भी चिंता न करें, और भगवान ने अब की बार नहीं सुनी है तो आगे हमारी ज़रूर सुनेंगे। इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।